Assalamualaikum students, welcome you all here uh, with your course title that is communication skills. I'm here again uh, with your next topic that is uh, seven Cs of business communication. So seven Cs of business communication or communication is the next topic which comprises of your fifth and sixth uh, uh, week and it is a detailed topic. So, uh, we are going to see what is actually seven C's of business communication. Okay, students, uh, seven C's of effective communication. Uh, before starting the exact definition of uh, seven C's, I just want to give you an example here to make you people understand about the seven C's. Now, students, uh, as you all know, uh, whenever uh, you want to operate any new machinery or whenever you want to go somewhere uh, which is a new environment for you, you are usually told about the instructions. Uh, द प्रिंसिपल द रूल्स एंड रेगुलेशन के आप उस मशीनरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन अ बेटर वे इन अफेक्टिव वे इन द सेम वे जब आप किसी बिल्डिंग में एंटर होने जा रहे हैं तो वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं एंड इफ़ यू आर फेमिलियर विद दो रूल्स एंड रेगुलेशन इफ़ यू आर फेमिलियर विद टेक्निक्स एंड मैथड्स एंड स्ट्रैटीज़ तो आप उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं सो इन द सेम वे कम्युनिकेशन ऑल्सो नीड्स सर्टन मैथड्स प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स कम्युनिकेशन को इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है प्रिंसिपल्स यहाँ पे क्या है असूल सर्टेन मेथड्स आर रिक्वायर्ड सर्टेन गाइडलाइंस आर रिक्वायर्ड सर्टेन स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड सो दीज स्ट्रेटजीज, मेथड्स एंड गाइडलाइंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो जिस तरह किसी काम को करने के लिए गाइडलाइंस की जरूरत होती है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए भी गाइडलाइंस की जरूरत होती है सो वी आर गोइंग टू सी वट आर दो गाइडलाइंस सो ये ठीक ओके ना वट इज दीनिंग ऑफ सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन दीज

कहाँ से लेके फॉर चॉइस ऑफ कॉन्टेंट एंड स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर एग्जाम्पल चॉइस ऑफ कॉन्टेंट क्या है आपको शॉपिंग का तरीका आना चाहिए ठीक है कपड़े की सिलेक्शन से लेके कपड़े के पहनावे तक अगर आपको तरीका आता है शॉपिंग का तो वो क्या है दोज आर द दैथड्स दोज आर द टेक्निक्स दोज आर द प्रिंसिपल्स और सेवन सीज कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वो गाइडलाइंस हैं जो कि आपके बोलने और लिखने के मटेरियल से लेके कंटेंट कहते हैं मटेरियल के सिलेक्शन से लेके स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन यानी उसकी प्रेजेंटेशन तक हेल्प करते हैं किस चीज़ के बनाने में सेवन सीज जो हैं वो किस चीज़ के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं चॉइस ऑफ कॉन्टेंट यानी मेटीरियल के सिलेक्शन से लेके उस मटीरियल को प्रेजेंट करने तक ठीक है ये गाइडलाइन जो है ये हेल्प करते हैं जिस तरह शॉपिंग में आ, कपड़े की सिलेक्शन से लेके कपड़े की पहनावे तक जितने भी बीच में स्टेप्स आते हैं सिलवाना और उसकी कटिंग और उसकी कॉम्बिनेशन एंड ऑल दैट राइट अडेप्टू द पर्पस एंड रिसीवर ऑफ योर मैसेज सो इट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग योर मैसेज आपके मैसेज को सेंड करना और रिसीव करने के लिए सेवन सी जो है दे आर वेरी एप्लीकेबल एंड दीज सेवन सीज ये गाइडलाइन जो है ये सिर्फ ओरल प्रेजेंटेशन के ओरल कम्युनिकेशन के लिए नहीं है दे आर ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर रिटर्न कम्युनिकेशन राइट नाउ वाई दे आर कॉल्ड एज सेवन सीज इनको सेवन सीज क्यों कहते हैं वन टू थ्री फोर फाइव

They are used for uh, equally both for oral as well as written communication. Why they are called as seven C's? They are seven in number, and all uh, the C uh, effective uh, principles are actually starting with letter C. That is why they are called as seven C's of effective communication. Clear? So, what is the first one? Completeness. Second one, conciseness. Third one, consideration fourth is concreteness fifth is clarity next is courtesy and the last one is correctness um I hope you all would be having books with you. Effective business communication के books आपके पास होंगी अगर वो हैं तो उनको please ये topic उसमें से जरूर देखें और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो जो summary होगी आपके end पे हर C के end पे उसको please आपने पढ़ना है right? Okay now we are going to talk about the seven C's of effective communication one by one.

और वहाँ पे आप शॉपकीपर से यू आर टेकिंग इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और अगर आपको शॉपकीपर सेटिस्फाई कर रहा है विद ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन देन यू विल बी रेडी टू बाय दैट प्रोडक्ट लेकिन अगर आप Uh, का वो शॉपकीपर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा तो वहाँ पे क्या होगा डेफिनेटली द कस्टमर विल हैव डिफरेंट सस्पिशंस इन हिज माइंड उसके दिमाग में डिफरेंट शक व शुभा आएंगे कि जी मे बी दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ गुड वन मे बी ही इज़ हाइडिंग समथिंग मे बी ही इज ट्राइंग टू चीट समथिंग तो वेन एवर यू आर गिविंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो उससे रिलेटेड हमेशा डाउट्स आते हैं सो कम्प्लीट इंफॉर्मेशन मीन्स मैसेज शुड बी कम्पलीट it when it contains all the facts the reader or the listener need for re reaction you desire to so, complete message kaun sa hota hai jab aap apne message ko complete बनाते हैं with the uh, addition of all the facts jitne bhi facts required hain jitne bhi points zarurat hain uh, for the डिज़ायर uh, रिएक्शन यानी डिजायर रिस्पॉन्स लेने के लिए डिज़ायर फीडबैक डिजायर फीडबैक क्या होगा कि जी मेरे कस्टमर जो है ये प्रोडक्ट ले ले खरीद ले आपका कस्टमर प्रोडक्ट कैसे खरीदेगा अगर आप उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे राइट तो इसके बेनिफिट्स क्या एडवांटेजेस क्या है अचीविंग डिज़ायर रिजल्ट विदाउट फर्दर एक्सपेंस ऑन मैसेजेस आपको अपना जो डिज़ायर गोल है वो अचीव हो जाएगा बिल्डिंग गुडविल एंड येस uh, uh, yes, आपको एक गुड रेपुटेशन होगी डेफिनेटली अगर आप सेंडर uh, जो है वो सैटिस्फाई कर रहे हैं अपनी रिसीवर को विद्लीट इंफॉर्मेशन तो ये किसकी कामयाबी है किसकी गुड रेपुटेशन है सेंडर की क्योंकि रिसीवर इज सेटिस विद इंफॉर्मेशन राइट सो यस

Uh, जब भी आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे तो कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट वेयर व्हाट डज इट मीन के वेन एवर यू आर ट्राइंग टू प्लान योर मैसेज जब भी आप अपने मैसेज को प्लान करें डिजाइन करें फाइव डब्ल्यू जरूर माइंड में रखें जैसे कि मैंने अभी आपको seas, trying to make you understand, मैंने आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया कि आपके माइंड में जो हाउ इट इज फॉर्म व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट तो ये डिफिन क्वेश्चन जो हैं ऑल आपने पूछे नहीं है मुझसे अभी लेकिन आपके पूछने से पहले मैं अपने मैसेज को ऐसे प्लान कर रही हूँ कि मैंने फाइव डब्ल्यूज अपने माइंड में रखा हुआ है इन रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी आंसरिंग ऑल क्वेश्चन एंड आपने वो सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं जो कि पूछे गए हैं राइट right? ये भी एक मेथड है टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिव समथिंग एक्स्ट्रा वेन डिजायरेबल ये समटाइम्स कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना भी जरूरी होता है टू मेक योर मैसेज कंप्लीट राइट अपने मैसेज को कंप्लीट बनाने के लिए आपको समटाइम्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है सो दैट शुड आल्सो बी गिवन फॉर एग्जांपल

ये इसका बस इतना ही आपने अंडरस्टैंड करना है कि uh, आपने रीडर uh, के पास या रिसीवर uh, के पास इंटरेस्ट डेवलप करना है विद योर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ताकि वो आपकी तरफ कंसंट्रेट uh, करे ही वुड बी रेडी टू एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिमेंबर वन थिंग दैट कस्टमर विल ऑलवेज भी रेडी yes that customer will always be ready to uh, reply you to respond you if you will provide complete information right so completeness means whenever you are communicating either in spoken form or in written form you have to give complete information right okay uh, so this is the first rule second is what conciseness conciseness means what first of all uh, look at these examples yes look at these examples okay um, i want to give you an example here of conciseness um, for example if you write a statement uh, because of that because of that is uh, um, uh, a phrase, because of that, right? Uh, because of that is having, because of that is having three words, unko aap uh, kaam kar sakte hain with the help of so that, right? So that is what it is a concise message. What does it mean? Ke aapne apne message ko jitna ho sakke, short banana hai. ठीक है आप शॉर्ट किस तरह बनाना है फॉर एग्जाम्पल आपने टेलर को कहा जी मुझे शर्ट राइट आर टू एंड वन इज लेंथी शर्ट इज शॉर्ट शर्ट एक शर्ट लेंथी है एक शर्ट शॉर्ट है आपने टेलर को कहा जी ये लेंथी शर्ट है नहीं मुझे इसकी प्लीज शॉर्ट शर्ट बना के दें राइट इसी डिजाइन में मुझे शॉर्ट शर्ट बना के देने। नाउ व्हाट डस शॉर्ट मीन्स क्या टेलर जो है वो स्लीव्स काट देगा क्या टेलर जो है वो कॉलर uh, काट देगा टू मेक इट शॉर्ट शॉर्ट मीन्स कि उसमें वो सारी चीजें कंप्लीट होंगी स्लीव्स विल बी देयर कॉलर विल बी देयर पॉकेट विल आल्सो बी देयर लेकिन उसका क्या होगा साइज शॉर्ट हो जाएगा दिस इज एक्चुअली कंसाइज़नेस

एंड दैट फ्रेंड हैज सीन मूवी कम्प्राइजिंग ऑफ वन आवर एक घंटे की जी उसने मूवी देखी सॉरी uh, तीन घंटे की मूवी देखी है अब आप मुझे बताएं विल ही टेल यू दैट सेम स्टोरी विद सेम डूरेशन ऑफ आस नॉट एट ऑल वो बड़ा ही उसको शॉर्ट करके बताएगा टर्निंग पॉइंट क्लाइमैक्स एंडिंग राइट right? सो so, वो जो उसने शॉर्ट करके बताया है कंप्लीट बताया है उसने उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट को स्किप नहीं किया इन स्किप बट द वे ही हैज टोल्ड दैट स्टोरी वो क्या है दैट इज कंसाइजनेस सो इट मीन्स टू बी पॉइंट नॉट ब्रीफ बट इन फ्यूएसट पॉसिबल वर्ड और रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर इसका यही आपने मतलब है टू टेल सम इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स ठीक है यानी आपने उसको स्किप um, uh, नहीं करना का कटिंग नहीं करनी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की लेकिन उन इंपॉर्टेंट्स पॉइंट को कम से कम फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड में बताना दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कंसाइजेंस व्हाट इज द बेनिफिट एडवांटेज ऑफ टाइम डेफिनेटली इट सेव्स टाइम एंड एक्सपेंस वक्त भी बचाता है और पैसे भी बचाता है इंक्रीज एपटेशन बाय नॉट क्लटरिंग देयर प्रोफेशनल लाइव यस यू नो वेरी वेल दैट प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ वेरी बिजी लाइफ वहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि जी आप इतना लेंथी स्टोरीज और इतनी लेंथी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें शॉर्ट तरीके से आप उसको बता सकते हैं

करके दो वर्ड्स में भी बात कर सकते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज जो ज्यादा वर्ड्स वाले हैं उसको बर्डी एक्सप्रेशन कहते हैं जिस जो कम वर्ड से रिप्लेस हो जाते हैं उनको कंसाइज वर्ड्स कहते हैं यानी उन्हीं का सब्सटीट्यूट उन्हीं को रिप्लेस करने के लिए कम वर्ड्स जो होते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कंसाइज वर्ड्स ियल यस दिस इज द मैथड ऑफ हैविंग कंसाइज आपने अनेशन ना हो लॉन्ग इंट्रोडक्शन ना हो एक्सेसिव एक्टिव फ्रेजे वर्ड्स ना यूज हुए अनिटेशन भी ना हो लॉन्ग इंट्रोडक्शन डिटेल्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब लॉन्ग डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होगी तो वहां से कंसाइसनेस मिस हो जाएगा यस यू कैन यूज शॉर्ट एप्रीवियस आप एप्रीवियस यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम

लेक्चर आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड प्लीज़ डू ओपन योर बुक ऑफ इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन वहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं और वहाँ पे आपने उन एग्जांपल्स को प्लीज़ फॉलो करना है डोंट गेट अफ्रेड इसमें आपने परेशान ही होना कि क्या चीज़ है सिंपल तरीके से इसको जो मैंने आपको बताया बस उसी पर फोकस करें डों नो नीड टू गो इन डेप्थ डिटेल्स बहुत ज्यादा डेप्थ में परेशान होने की जरूरत नहीं है आप उस बुक को देखें और येस वन थिंग मोर आपने क्या करना है यू विल राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट सी दैट इज़ कंप्लीटनेस और सेकंड सी की दैट इज़ कंसाइजनेस इनकी आपने फाइव फाइव एग्जांपल्स लिखनी है प्लीज शॉर्ट वे में आपने लिखे प्लीज़ जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड वट डज इट मीन इनकी एग्जाम्पल्स प्लीज़ आपने लिखनी है एंड डू रिवाइज दैम एंड यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आसमी इन कमेंट्स आई होप यू वै अंडरस्टोड इनशा आई विल कम अपक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर ऑफ़ यूर सेल्स अल्लाह